प्रोजेक्ट रहा है अपने पास में स्टार्ट किया गया ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ कंफर्म, एम आई ऑडिबल टी यू, एंड तुम को आवाज आ रहा है। सेकंड, ऑडिट ट्वेंटी थ्री रिकॉर्डिंग ऑन किया परफेक्ट ओके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन आई थिंक हमने जब कंपनी ऑडिट शुरू किया था उसमें हमने सेक्शन 139 एंड 140 को डिस्कस किया था आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 141 के साथ में देखो 139 अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर के लिए था 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के लिए था 139 में आपको फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिटायरिंग ऑडिटर कब एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए सब पढ़ाया था एंड देन इन सेक्शन 140 फोर्टी वी टॉक्ड अबाउट कि ऑडिटर अगर रिजाइन करता है उसे कितने दिनों में आपको इंटीमेट करना चाहिए किस किस को इंटीमेट करना चाहिए फिर सर रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर बोर्ड कैसे इनिशिएट कर सकता है एक प्रोसेस जहां पर हमको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा या सर क्या एक मेंबर्स ऑडिटर के रिमूवल के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट था स्पेशल नोटिस वाला कि अगर मेंबर्स पढ़ाया था ना मैंने आपको ये ये हुआ था क्या डिस्कशन सेक्शन 140 में हुआ था ना मेंबर्स वाला हाँ कि भाई मेम्बर्स अगर स्पेशल नोटिस देते हैं तो सर उस एजीएम के अंदर इस ऑडिटर के जगह किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है या इस एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे ऐसा स्पेशल नोटिस आने के बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है ए के अंदर अगर ऐसा हुआ तब भी एग्जिस्टिंग ऑडिटर का क्या हो जाएगा रिमूवल हो जाएगा क्योंकि सर उसके जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया होगा या उसको क्लियरली बोल दिया होगा रीअपॉइंट नहीं करने का है क्या हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था डिटेल के अंदर Yes. फिर सर हमने एक रिमूवल और पढ़ा था रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्ट कर रहा है फ्रॉड में कर रहा है या खुद फ्रॉड का पार्ट है तो ट्रिब्यूनल ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा ये सब कुछ हमने सेक्शन 139 एंड 140 में डिस्कस किया था इतना क्लियर है कि आपको 141 talks about eligibility, qualification, and disqualification. 141 talks about eligibility, qualification, and disqualification. Now,

स्टेटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है बट रिमेंबर एलएलपी को अगर आप अपॉइंट करते हो तो मेजोरिटी पार्टनर चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, एंड नंबर टू जो पर्सन साइन करेगा वो तो चार्टेड अकाउंटेंट ही होना चाहिए तो एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉर्व है को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है इंडिविजुअल को एलिजिबिलिटी माना है और फर्म को माना है चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए इज दिस क्लियर टू यू चलो अब डिस्कस करेंगे डायरेक्टली डिस्कालीफिकेशन समझना पूरे सेक्शन 141 में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है हमारे लिए वो है 141 सबसेक्शन कौन सा वन फोर्टी वन सबसेक्शन थ्री यहां पर डिस्कशन होगा अलग अलग डिस्कालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर किसका डिस्कशन होगा डिस्कालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर तो कुछ ऐसे डिस्कालिफिकेशन का लिस्ट बना के दिया है कि भाई इनमें से एक भी सिचुएशन अगर अप्लाई हो जाती है तो सर इसको आपने ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाहिए या इसको अगर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है तो अब ये डिस्कालीफाइड हो गया इसने ऑफिस क्या कर देना चाहिए वेकेट कर देना चाहिए यही डिस्कालिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर वन फोर्टी वन सबसेक्शन क्या क्या डिस्कालिफिकेशन है सर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अलाउ नहीं किया है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर अदर देन एलएलपी रिमेंबर क्लियर है सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म ही ऑडिटर बन सकता है फर्म में क्या अलाउ कर दिया है एलएलपी इसके अलावा किसी भी और तरीके का बॉडी कॉर्पोरेट है उसको अलाउ ही नहीं किया है एट ऑल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर देखो क्लैरिटी था अगर मैं कंपनी को दूसरे कंपनी का ऑडिट करना अलाउ करूंगा ऑडिट में प्रॉब्लम क्या है हमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए ऑन द साइनिंग पार्टनर अगर मैं कंपनी को अलाउ कर दूंगा तो प्रॉब्लम थोड़ा रिस्क मेरे लिए बढ़ जाता है कि यार इस एंटिटी में एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ऑडिट में प्रॉब्लम हुआ थो? तो तो इसीलिए उन्होंने बोला क्लैरिफिकेशन दिया ऐसा प्रॉब्लम चाहिए नहीं सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को अलाउ करेंगे इंडिविजुअल को या फर्म को बोलने के लिए एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी है बट अगर वो ऑडिट कर रहे हैं और साइनिंग पार्टनर है उसका फ्रॉड के रिगार्डिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ध्यान रखना एल एल पी बोलने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा बट जो पार्टनर साइन कर रहा है ऑडिट के दौरान फ्रॉड के रिगार्डिंग उसका हमेशा क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है ये एल एल पी रूल्स में भी लिख करके दिया है उन्होंने तो इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउ किया है मतलब सर डिस्काल नंबर वन बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एल एल पी नॉट अलाउड क्वेश्चन ही नहीं बनता है सिर्फ और सिर्फ एल को अलाउ किया उसके अलावा और किसी को अलाउड नहीं है दूसरा बहुत ही बीकॉम लेवल अगर मैं कंपनी के एम्प्लॉई हूँ या मैं कंपनी का ऑफिसर हूँ मतलब सर मैं डायरेक्टर हूँ कि मैं की मैनेजरल पर्सनल हूँ या मैं इन डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सनल को गाइड कर रहा हूँ एग्जैक्टली exactly किस तरीके से कंपनी को अकाउंट करना है रन करना है मतलब सर मैं कंपनी का या तो ऑफिसर हूँ या एम्प्लॉई हूँ तो सर ऑब्वियसली मैं कंपनी के ही पार्ट हूँ मतलब आइडियली मैंने एज अ ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मैं क्या रहेगा बाइस्ड पर्सन रहेगा इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रहेगा इफ़ यू आर अ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी यू आर नॉट अलाउड इंपॉर्टेंट क्या है यू आर नॉट जस्ट ऑफिसर एम्प्लॉय वो चीज को कवर नहीं किया इसके आगे एक स्टेप भी गए अगर ये कंपनी का जो एम्प्लॉय है ये किसी और से पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है या ये किसी और को एज ए हायर करता है ना तो उस दूसरे एम्प्लॉय को अलाउड है ना इसके पार्टनर को अलाउड है ध्यान रखना खुद एम्प्लॉय ऑफिसर को तो अलाउड ही नहीं है उनका कोई अगर पार्टनर भी है या उनका भी कोई दूसरा एम्प्लॉय है अगर गलती से ऐसा अरेंजमेंट किया है उन्होंने तो सर उनको भी अलाउड नहीं किया पॉइंट नंबर सी देखिए अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट किसके साथ में विद द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मतलब जो पॉइंट नंबर बी में कवर्ड है पॉइंट नंबर सी में बोला है उनकी भी अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय हुआ उनको भी हम इनडायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली इंडिपेंडेंस इंपैक्ट नहीं आएगा बट इनडायरेक्टली तो आ ही सकता है इसलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं

Point number four जो है, पर पर ना तीन पर क्या है तीन सिचुएशन है तीनों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है राधर बहुत बार आया है आई वॉन्ट एवरी वन हंड्रेड परसेंट अटेंशन यहां क्या बोलता है ये? पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव मतलब जिस पर्सन के बारे में बात करें वो खुद या उसका कोई पार्टनर या उसका रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट मतलब या तो उनके पास में कोई सिक्योरिटी रहेगा या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट रहेगा किस में सर सिर्फ कंपनी को कवर नहीं किया कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग मतलब एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ कंपनीज बना के दिया है ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन को कवर करने का ट्राई किया समझिएगा फोर्थ डिस्कालिफिकेशन में तीन सिचुएशन है तीनों सिचुएशन में ये जो फर्स्ट बॉक्स है एंड थर्ड बॉक्स है ये कॉमन है मतलब अब अगला सिचुएशन पढ़ाऊंगा ना ये बॉक्स ये बॉक्स कॉमन रहने वाला कंटेंट कहा बदलेगा मिडिल बॉक्स के अंदर ये जो कंडीशन है बस वो बदलने वाली है बाकी तीनों बॉक्सेस जो हैं ये सेम रहने वाले हैं समझिएगा वापस से पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट किसके अंदर इन एनी ऑफ दिस कंपनी तो आप एक डिस्कालीफाइड पर्सन बन जाएंगे मतलब सर एक डाउट आता दिमाग के अंदर अगर मेरे पास में कंपनी में एक भी इक्विटी शेयर है एक भी इक्विटी शेयर तो क्या मैं एक इंसान यस अगर मेरे पास में एक भी है, तो मैं क्या हूं सर? इंसान। उन्होंने सिर्फ दिया है रिलेटिव को। किसको दिया है रिलेटिव बोलते है, इंडिया में रिलेटिव पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते तो सर, उनको हमने एक्सेप्शन दिया है और वहां पर उन्होंने फेस वैल्यू दिया है एक लाख रुपए तक का समझिएगा मेरा बात फेस वैल्यू ऑफ वन लाख इज वेरी बिग नॉर्मली फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज उस सब से एक लाख तक का फेस वैल्यू उतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था हो सकता है आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल होने वाले लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा इवन बिफोर यू क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ट माई पॉइंट अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया बजाज फाइनेंस में या रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अब जाकर के फ्यूचर में तुम उसका ऑडिटर बन जाता तो इसका मतलब ही नहीं। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट हटा देना चाहिए ऑलरेडी तो अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट है इसे आप होल्ड कर सकते हो क्या कर सकते होल्ड या बाइंग सेलिंग बोला ही नहीं है क्या बोला है इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी सिर्फ अलाउ किस को किया है रिलेटिव को नीचे आइए पड़िएगा हाउ एवर अ पर्सन शाल नॉट बी डिस्कालीफाइड Bye. आपके पार्टनर के पास में एक भी इक्विटी शेयर हुआ आप डिस्कालीफाइड बन जाओगे सिर्फ एक्सेप्शन किसको दिया है रिलेटिव को अपटू द फेस वैल्यू ऑफ वन लैख मार्केट वैल्यू नहीं है फेस वैल्यू यहां पर उन्होंने एक चीज और कैरिड अवे होते हुए लिख दी अगर गलती से रिलेटिव ने लिमिट क्रॉस कर दिया जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो लिमिट के अंदर था उसके बाद में गलती से उनका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बढ़ गया लेट से इट एज क्रॉस्ड वन उन्होंने आपको बोला आप करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हो विद इन हाउ मेनी डेज डेज बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से देखो इफ रिलेटिव सेक्वायर्स एनी सिक्योरिटी एक्सीडिंग वन लाख देन ऑडिटर शाल टेक एन करेक्टिव एक्शन विद इन हाउ मेनी डेज मार्क दिस सिक्सटी डेज टू मेंटेन द लिमिट ये साठ दिन मार्क कर लेना एक लाख का लिमिट मार्क कर लेना एमसीक्यू सी करेक्ट इन करेक्ट में बहुत बार पूछा गया है आ सकता ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपको ये बात समझ में आया क्या एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है <coughs> एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मिस्टर ए आपको एक्स वाई जेड में ऑडिटर अपॉइंट किया गया है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपके रिलेटिव या आपके पास में कोई भी सिक्योरिटी नहीं था आफ्टर अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट आपका रिलेटिव जो है आपका स्पाउस हो गया या कोई भी रिलेटिव में फॉल होने वाला इंसान यू गेट माई पॉइंट वो इक्विटी शेयर बाय करता है बट फेस वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग वन लैक आफ्टर अपॉइंटमेंट वो इक्विटी शेयर बाय करता है बट सर अभी तक फेस वैल्यू क्या एक्सीड नहीं हुआ है एक लाख एक्सीड नहीं हुआ है क्या आप अभी भी क्वालिफाइड इंसान हो टू कंटिन्यू एज ऑडिटर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसी के पास भी इक्विटी नहीं था अपॉइंटमेंट के बाद में आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल होने वाले किसी भी इंसान ने फेस वैल्यू एक लाख रुपए क्रॉस नहीं किया है बट इक्विटी शेयर परचेस किया है क्या आप अभी भी क्वालिफाइड इंसान हो आंसर पर आई मॉड्यूल इज़ इज़ येस, कॉन्सेप्ट यूज़लेस। एक बात बताओ इसका तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है या इनसाइडेड ट्रेडिंग है कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद तुम तुम्हारे रिलेटिव को बोल दो खरीद ले मतलब इट्स इन लॉजिकल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में इंटरप्रिटेशन अलग होता है आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो अलाउड है समझ लो मेरा बात बाइंग एंड सेलिंग अलाउड नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड दिस इफ यू हैव बीन होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी नॉट इक्सीडिंग द फेस वैल्यू ऑफ वन लैक फॉर इयर्स इट इज फाइन यू कैन कंटिन्यू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाइंग एंड सेलिंग आफ्टर योर अपॉइंटमेंट इज इलॉजिकल इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल प्लीज अंडरस्टैंड ये स्टूपिड क्वेश्चन है स्टूपिड आंसर है बट ये आईसीआई का सजेस्टर्ड आंसर है हमें कुछ करना नहीं है तुमने क्या बोलना है इधर लिटरल इंटरप्रिटेशन है एक लाख क्रॉस नहीं हुआ ना अलाउड है बात खत्म ट माई पॉइंट हाँ तुमने एक रुपए का विषेयर लिया तो तुम क्या बजेगा डिस्कालीफाइड दिमाग ज्यादा लगाने का ही नहीं इंटरप्रिटेशन क्या बोलता वो सोचने का ही नहीं बात समझ में आया क्या डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कालिफिकेशन नंबर फोर जहां पर बोला है पर्सन हिमसेल्फ और इस पार्ट है और इज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी सब्सिडी एक्सेप्शन क्या है सिर्फ रिलेटिव को अलाउ किया अप टू द फेस वैल्यू ऑफ वन लाख रिमेम्बर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू नहीं है मार्केट वैल्यू वन लाख बहुत चिल्लर हो जाएगा मतलब उसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है कुछ आएगा ही नहीं तो बेसिकली वो वर्ड क्या है फेस वैल्यू एंड नॉट मार्केट वैल्यू क्लियर है क्या तुम्हारे तो दिमाग में एक डाउट और आएगा सर ये पर रिलेटिव एक लाख है या सर रिलेटिव मिला के एक लाख है प्लीज समझो मेरे बात टोटल रिलेटिव का एक लाख भी बहुत ज्यादा है प्लीज अंडरस्टैंड वन लाख रुपी फेस वैल्यू अगर आप रिलायंस वगैरह वगैरह या के केस में जाएंगे अमाउंट इन्वॉल्व क्रोर्स में आ सकता है बिकॉज फेस वैल्यू एक रुपए देती है आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट मतलब एक एक लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई देर करंट मार्केट प्राइस योर टोटल होल्डिंग विल बी वेरी बिग नंबर प्लीज अंडरस्टैंड इट विल बी वेरी स्टूपिड टू से मेरे वरना तो तो तुम्हारे फैमिली का नंबर बहुत खतरनाक रहेगा और तुम पर पर्सन जाओगे तो एंटीडी एक्वायर कर लो फिर ऑडिट करना है क्यों है मेरे हिसाब से इवेस्टमेंट इतना पैसा है तुम्हारे पास में तो जाकर के फिर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाने का फिर आइडियली एज ए बिजनेस हाउस चलो जान दिए सर ऐसा नहीं है हमारा पैशन है वगैरह फालतू तो जोक नहीं मरने का रहे मेरा समझ रहे हो बात इलॉजिकल है डू यू गेट माई पॉइंट इट ड मेक सेंस डू यू अंडरस्टैंड डिस्कालीफिकेशन नंबर फोर इसका पॉइंट नंबर वन समझ में आया आगे जाते हैं नेक्स्ट सर पर्सन हिमसेल्फ और इज पार्टनर और इज रिलेटिव सेम है सब कुछ बस इस बार वर्ड है इज इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब मतलब सर पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव इज इन डेटेड इन द कंपनी सब्सिडी बाकी सब कुछ सेम है फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम एब्सोल्यूटली चेंज है यहां पर वर्ड क्या है इज इन डेटेड मतलब सिंपल चीज है मिस्टर ए ने कंपनी एक्स वाई जेड से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे आठ लाख रुपए का सर नॉर्मली ये कंपनी एक्सवाइजेड दो महीने का क्रेडिट पीरियड देता है कितने महीने का क्रेडिट पीरियड देता है दो महीने का इस बार भी मिस्टर ए को उन्होंने दो महीने का क्रेडिट पीरियड दिया मिस्टर ए प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर परचेज गुड्स फ्रॉम एक्सवाइजेड ऑन क्रेडिट ऑफ अमाउंटिंग एट लाख रुपीज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड दो लाख रुपए का है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड दो महीने का है मिस्टर तो ए को भी दो महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है बट सर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द डेट ऑफ

डिस्वालीफाइड हो जाएगा उन्होंने बोला नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी बोले जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ है क्या उस दिन यह लिमिट क्रॉस होता है अगर हाँ तो यू विल बिकम अवालिफाइड पर्सन रिमेंबर लिमिट है ऑफ अपॉइंटमेंट उस दिन अगर ये लिमिट क्रॉस हुआ है आप डिस्कालीफाइड इंसान बन जाएंगे बात समझ में आया क्या आगे देखो अगला सेम कॉन्सेप्टिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विदेटनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन सुनो इस बार क्या हुआ है मिस्टर ए और सेम कंपनी वाई जेड इस बार मिस्टर ए ने वाई जेड से परचेस नहीं किया है मिस्टर बी ने परचेस किया है वाई जेड से मिस्टर ए ने गारंटी दिया है वाई जेड को फॉर बी मिस्टर ए ने लास्ट टाइम खुद परचेस किया था इस बार किसी और ने परचेस किया है कंपनी से और इसके बिहाफ पे गारंटी किसने दिया है मिस्टर ए ने दिया है एंड इस बार मैं बोलता हूं अमाउंट इन्वॉल्ड इज टू लाख रुपीज इन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई कितना किया है एक लाख का स्पेसिफाई किया है। अगर आप एक लाख या उसके बियॉन्ड कोई गारंटी या सिक्योरिटी देते हो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे तो सर आप डिस्कालीफाइड इंसान बन जाओगे एक बात बताओ मेरे को लॉजिकल लग रहा है गारंटी के लिए अमाउंट एक लाख रुपए दिया है इनडेटनेस के लिए अमाउंट कितना दिया है पांच लाख पहले केस में डायरेक्टली मैं खुद परचेस कर रहा हूं तो बोला पांच लाख तक अलाउड है डू यू गेट माय पॉइंट अगर मैं किसी के भी बिहाफे गारंटी दे रहा हूं तो एक लाख के बियॉन्ड भी अलाउड नहीं यूजलेस है ये कोई लॉजिक नहीं है एक ज़माने में गारंटी एंड इंडेटनेस का अमाउंट सेम था ओल्ड एक्ट में हजार रुपए वन ट्रिपल जीरो डू यू गेट माई पॉइंट बेसिकली तुमने ट्रांजेक्शन करने का ही नहीं कंपनी के साथ में बिल्कुल लॉजिकल चीज़ था यहाँ उन्होंने क्यों पाँच लाख एक लाख बना दिया कोई लॉजिक नहीं है ऑनेस्टली ट्रांजेक्शन्स होने ही नहीं चाहिए अगर होते हैं तो आगे पढ़ेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस पे होने चाहिए एज अ अल्टीमेट कंज्यूमर नॉट ऑन क्रेडिट एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ गारंटी आई डी ली बट ऐसा है पाँच लाख एक लाख का लिमिट है अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है रियल लाइफ में कोई रेलिवेंस नहीं है ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्लियर है क्या बात हम क्या पढ़ रहे हैं सेक्शन वन फोर्टी वन सबसेक्शन थ्री डिसक्वालिफिकेशन का लिस्ट नंबर वन

बैंक ऑडिट वाले केस में रुक जाइए आपको बताएंगे वहां पर एक सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ इंडेस लेना पड़ता है एज पर आर बी इट इज एप्लीकेबल नॉट फॉर बैंक ऑडिट इट इज फॉर नॉर्मल एंटिटीज हम बात कर रहे हैं वहां पर एक सेपरेट रिक्वायरमेंट रहती है सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस चलो आगे चले नीचे आइए रीड पॉइंट नंबर ई एक बार खुद से पढ़ो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रीड पॉइंट नंबर ई देखो क्या बोलते हैं ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली बहुत स्मार्ट तरीके से इंक्लूड किया है हालांकि आई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे बट रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम बिजनेस रिलेशनशिप क्लॉज बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं बिजनेस रिलेशनशिप क्लॉज क्या बोलते हैं पर्सन खुद या उसका फॉर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ सब्सिडरी के साथ एसोसिएट के साथ में ब्ला 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 कोई भी तरीके से किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप अगर होल्ड करता है मतलब एनी बिजनेस रिलेशनशिप आर डिस्कालीफाइड द वर्ड इज एनी बिजनेस रिलेशनशिप यू आर डिस्कालीफाइड देखो पर्सन या उसका फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब विद्पनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट एक लाइन और एड हो गया देखो लॉ के अंदर थोड़ा सा ना इनकंसिस्टेंसी है कहीं कहीं जगह पे उन्होंने लिस्ट में चार पांच एंटिटीज का नाम दिया कहीं एक जगह एड कर दिया ज्यादा कहीं एक जगह कम कर दिया है उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है बाकी सब भी ऑलमोस्ट इक्वली सब कुछ कवर कर लेती है पॉइंट क्या है कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप डिस्कालीफाइड इंसान हो समझिए <coughs> इंटरप्रिटेशन इतना लिटरल है अगर मैं एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन यूज करता हूं ये भी एक बिजनेस रिलेशनशिप है आई एम अ अ कंज्यूमर दे आर सर्विस प्रोवाइडर डू यू गेट माई पॉइंट ये भी बिजनेस रिलेशनशिप है अरे मतलब इट्स एक्सट्रीम अगर आप डेल का लैपटॉप यूज करते हो मतलब डेल के यूजर हो आप डेल के ऑडिटर नहीं बन सकते हो इन्होंने इसीलिए बाद में समझाया और थोड़ा एक एक्सेप्शन लिख करके दिया कि प्लीज समझिए अगर मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस नॉर्मल कंज्यूमर हूं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है अदरवाइज सारे ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिलेशनशिप में कवर किया जाएगा नहीं चाहिए एक्सेप्शन देखिए एक्सेप्शन नंबर टू पढ़िए कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस एंड ध्यान रखना मेरा बात अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन है जहां पर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो और उन्होंने भी दिया सर लाइक ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एयरलाइन हॉस्पिटल एंड सच अदर सिमिलर मतलब कोई से बिजनेस हो बेसिकली यार अगर यहां पर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो आर्म्स लेंथ प्राइस पर प्रोडक्ट खरीद करके कंज्यूम कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है मतलब मैं स्पाइस में ट्रेवल करता हूं नॉर्मल पांच रुपए का फ्लाइट टिकट है पांच पे करता हूँ कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कोई इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला है इफ आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड आई एम Consuming the products or services at the arms length price, then there is no problem.

एक्सेप्टी टू इफ देर इज एनी ट्रांजेक्शन लेते हैं, या एक का लेते हैं आप, नहीं करने वाले, आप किसी को बेचने वाले हो वो सब चीजें बिजनेस रिलेशनशिप में कवर की जाएगी और आप क्या बन जाएंगे डिस्कालीफाइड इंसान बन जाएंगे एक मिनट स्पेंड कीजिएप्शन को पढ़िए और इस क्लॉज नंबर फाइव को पढ़िए आर यू एबल टू तो अंडरस्टैंड वॉट दे आर से डन अगले क्लॉस पे जाए चलो सर डिस्कालिफिकेशन में नंबर फोर एंड फाइव बहुत इंपॉर्टेंट थे बाकी सब तो आसान हो जाएगा डोंट वरी फोर एंड फाइव आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स गो टू नंबर क्या बोलता है टाइम पास एकदम अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी सिंपल है लेट्स माई सिस्टर इज अ अ डायरेक्टर इन कंपनी एक्स वाई जेड कैन आई बिकम ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड नो इधर एक गलती हो गया उनसे लॉ लिखते हुए तो उन्होंने वर्ड सिर्फ कंपनी यूज किया तो अगर माई सिस्टर इज डायरेक्टर एंड एक्स वाई जेड कैन आई बिकम ऑडिटर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी यस

अगले पॉइंट पे पॉइंट नंबर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है <coughs> दो तीन एग्जांपल देता हूं सुनिए आई एम श्योर एबीसी एक ऑडिट फॉर्म है तीन पार्टनर है इसमें से मिस्टर बी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स मिस्टर बी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स नॉर्मली एज पर पार्टनर या पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने कर सकता, उसका लिमिट ट्वेंटी है कितने ऑडिट कर सकते हो तो उसका लिमिट कितना है 20 है अगर मैं बोलता हूँ तीन पार्टनर है और ये सर एज अ इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते ही नहीं है किसी और फर्म में पार्टनर भी नहीं है तो कैन आई से मेरे को 20 into 3 60 का लिमिट मिलना चाहिए था बट इन्होंने क्लियरली बोला है अगर कोई भी एक पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉई है तो सर वो पर्सन एलिजिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एनी पर्सन इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय तो वो पर्सन एलिजिबल ही नहीं है ऑडिट करने के लिए तो कहना इसे उसको बीस का लिमिट मिलना ही नहीं चाहिए तो अगर यहां पर बी इज टाइम एम्प्लॉय तो लिमिट सिक्सटी नहीं होगा लिमिट कितना होगा फोर्टी होने वाला है क्योंकि वो ऑडिट ही नहीं कर सकता है ये क्लियरली डिसक्फिकेशन लिख करके दिया कंपनी टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इट्स अ क्लियर कट डिस्कालीफिकेशन तो सर उसकी जो बीस की लिमिट है वो भी खत्म हो जाती है समझ लो मेरा बात एंड रियल लाइफ में भी बात समझिए अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉई हूं तो मेरे को नॉर्मली सीओपी होल्ड करना ऐसे अलाउड नहीं करने वाला है पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं क्वालिफाई हुआ क्वालिफाई होने के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूं डे वन पे इतना प्रैक्टिस में काम नहीं है मेरे पास में किसी सी ए में काम भी करना चाहता हूं तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दिखा सकता हूं सी ए फर्म में और पार्ट टाइम सीओपी होल्ड कर सकता हूं ये रियल लाइफ में अलाउड रहता है जब आप सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म में जब आप भरते हैं आपको ये डिटेल देना पड़ता है बट फुल टाइम एम्प्लॉय होना अपने आप के अंदर एक तरीके

पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेर खत्म इधर खत्म हो गया मतलब वो क्या हो जाएगा डिस्कालीफाइड इंसान बन जाएगा क्या बन जाएगा डिस्कालीफाइड आगे वाला पार्ट क्या बोलता है आपको एक्सप्लेन करता हूं सेम ए बी सी सेम फॉर्म ए बी एंड सी कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है तीनों नॉर्मल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या मेरे को लिमिट मिलना चाहिए ट्वेंटी इन थ्री सिक्सटी का बराबर बात है कि नहीं है इस 60 में क्या इंक्लूड नहीं करना है इस 60 में क्या इंक्लूड नहीं करना है सर आपको वन परसेंट कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कवर नहीं करना है जिनका पेड़ अप शेयर कैपिटल सौ करोड़ से कम है मतलब इस सिक्सटी का काउंटिंग मतलब पर पर्सन जो ट्वेंटी था ना ये ट्वेंटी काउंटिंग करते वक्त क्या चीज दिमाग में रखना है प्राइवेट लिमिटेड कवर नहीं किए जाएंगे जिनका अप शेयर कैपिटल सौ करोड़ से कम है क्लियरली बात बोला है ढंग से देखिएगा सर It one company, company, small company and a से, अगर एक ऑडिट फॉर्म के पास में ऑलरेडी सिक्सटी ऑडिट है कितने ऑडिट्स है सिक्सटी ऑडिट है और अगर वो किसी ऐसे कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है जो सर इस एक्सक्लूडिंग के लिस्ट में नहीं आता है मतलब प्राइवेट लिमिटेड है सौ करोड़ के, के बियॉन्ड तो क्या इस ऑडिट एक्चुअली में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मतलब सर, आप हो जाओगे। अगर आप ऑलरेडी सेलिंग लिमिट को क्रॉस कर चुके हो रिमेंबर दिस इज पर पर्सन दिस इज पर पार्टनर एंड वन मोर थिंग इफ मिस्टर ए इज प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली ऑल्सो एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्यू आर एक दूसरा फॉर्म है उसके अंदर भी तो सर एक को ना इधर बीस मिल जाएगा इधर बीस मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है का टोटल मिला के ट्वेंटी होना चाहिए इधर दस साइन किया इधर पांच साइन किया तो इधर कितना मिलने वाला है पांच ही मिलेगा रिमेंबर लिमिट per है नॉट एज पर अलग अलग में काम कर रहे हो, अलग-अलग जगह इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हो कोई टोटल कितना अलाउड है तेरे को साइन करना ट्वेंटी उसमें क्या इंक्लूड नहीं करना है टाइम बस सबको मालूम है वो चीज आईसीआई का हालांकि एक और अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने गाइडलाइन दिया है

उड एम्प्लाइज एम्प्लॉय एम्प्लॉयज पार्टनर नॉट अलाउड सर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी सिर्फ रिलेटिव को अलाउड बाकीउड नहीं है इनडेटनेंटी एक लाख एनी बिजनेस रिलेशनशिप नॉट अलाउड एक्सेप्शन दिए अगर मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं इन दर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट दर्मस लेस कोई दिक्कत वाला बात नहीं है या सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन द्वारा अलाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं कोई दिक्कत वाला बात नहीं सर, इफ आई में फुल टाइम एम्प्लॉय समवेर एल्स नॉट अलाउड या मैंने ट्वेंटी का लिमिट क्रॉस कर दिया है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले तो मैं डिस्कालीफाइड इंसान बन जाऊंगा इफ माई रिलेटिव इज ए डायरेक्टर इन द कंपनी और अ की मैनेजरियल पर्सनल इन द कंपनी आई शुड नॉट एक्सेप्ट दफ दैट कंपनी इज दिस क्लियर टू यू अगले पॉइंट पे आइए सर

बात दस साल के बाद हमें लगता है आप नए इंसान बन जाओगे हम आपको अलाउ कर देंगे जस्ट वन मिनट हां तो मतलब दस साल के बाद हमको लगता है आप नए इंसान बन जाएंगे आपको अलाउड है यहां पर एक इनकंसिस्टेंसी है यहां पर दस साल का लिमिट दिया है और ट्रिब्यूनल को बोला ऑर्डर पास करो पांच साल के लिए थोड़ा in याद इनकसिस्टेंसी वन फोर्टी आपको जब बैन कर रहा था वो कितने साल के लिए कर रहा था? साल के के लिए लिए कर कर रहा रहा था? था। यहाँ पर कितना दिया है? दस साल। तो में, actually, जब वन फोर्टी में आओगे तो आप डिस्कालीफाइड इंसान रहोगे समझा क्या मेरे पास ट्रिब्यूनल विल पास फॉर फाइव इयर्स बट इज ऑर्डर ऑफ फ्रॉड पास अगेंस्ट यू येक्शन थ्री दस साल तक अलाउ नहीं करने वाला है इज दिस क्लियर टू यू अगला पॉइंट पढ़िए उसको पढ़ने से पहले एक सेक्शन है 144 उसको हम डिस्कस करते हैं लेट्स गो टू 144 फर्स्ट पहले वो खत्म करते हैं फिर इस डिस्क्वालीफिकेशन पे आएंगे व्हाट इज सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज सुना है क्या आप लोगों ने प्रोहिबिटेड सर्विसेज अपने मॉड्यूल्स में है पेज नंबर 10.35 10.35 मजेदार कांसेप्ट है ढंग से सुनिएगा पहली बार कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन बनाया गया और उसने क्लियरली बोला इफ यू आर ढंग से सुनना स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर कंपनी मैं जिस कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उस कंपनी को मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं क्या ऑब्वियसली अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए इंटरनल ऑडिट नहीं करना चाहिए एक्चुअली सर ये सारी की सारी सर्विसेज लिस्ट बना के दिया है ना ये आपके लिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज है अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो उस कंपनी को ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हो ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्लीज समझिए मेरा बात ये सारी सर्विसेज आप एक्चुअली मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हो किसको प्रोवाइड करते हो मैनेजमेंट मतलब आप कंपनी के लिए काम करोगे तो कहना आप इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे इसलिए उन्होंने बोला इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर अ कंपनी टू द सेम कंपनी डू नॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज प्लीज डू नॉट बी स्टूप समझना अगर मैं एक कंपनी का स्टेटुटरी ऑडिटर ही नहीं हूं तो क्या मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं बिल्कुल इफ आई एम कंपनी एक्स वाई जेड पी क्यू आर समझो इधर मैं स्टैटरी ऑडिटर है तो उसके लिए ही प्रोहिबिटेड सर्विसेज है अगर इधर में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही नहीं है तो ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज का रेलिवेंस नहीं है तो मैं अकाउंटिंग करो इंटरनल ऑडिट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं तो मैंने ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करना चाहिए दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज और सुनिए मेरा बात खतरनाक तरीके से लॉ बनाया है अगर मैं ये सर्विस खुद तो प्रोवाइड नहीं करता हूं बट इनडायरेक्टली किसी पर्सन के थ्रू प्रोवाइड करता हूं किसी दूसरे फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करता हूं उन्होंने वर्ड यूज किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी प्रोवाइड मत करो एंड पहली बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड को डिफाइन किया है एंड दैट कवर्स एनी अराउंड यू आप बच ही नहीं सकते हो इंपॉसिबल है ढंग से पढ़ना मेरे साथ में एन ऑडिटर शाल नॉट प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेस सच सर्विसेज आर रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और देखो किस किस को कवर किया है कंपनी को कवर किया है होल्डिंग कंपनी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, सब्सिडी को भी नहीं कर सकते हो, अब बाद में फिर गलती हो गया तरीके से हटाना चाहिए वो हटाएंगे फ्यूचर में कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग तीन जगह पे मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं ये मेरे लिए क्या बन जाएगा प्रोहिबिटेड सर्विसेज बन जाएगा नीचे आइए डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफाइन कैसे क्या देखो एक इंडिविजुअल में किस किस पकड़ लेंगे इन ऑर्डर बिंग खुद से प्रोवाइड कर रहा होगा कनेक्टेड तो आप मतलब आपका बस उससे बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होना चाहिए अगर मेरे को किसी भी पर्सन से पैसा आया है तो मैं करूंगा, मैंने इसको अकाउंटिंग वाला काम दिलवाया होगा उससे पैसा मेरे को आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं 144 एकदम ड्रकोनियन है बच ही नहीं सकते हो आप अगर आप ये काम कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई सा भी नेक्स अगर कनेक्ट हो गया डॉट्स कनेक्ट हो गया यू विल बी हेल्ड गिल्टी यू कैन नॉट बी सेव्ड कॉमन ट्रेड नेम है ब्रांड नेम है सेम फॉर्म है वो तो बात ही खत्म हो गया बता आगे देखो सर और थ्रू एनी अदर एंटिटी व्हाट्स एवर किसी भी तरीके से अगर आपका कोई भी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल है ट्रेड नेम कॉमन है ब्रांड नेम कॉमन है कुछ भी हो सब कुछ डायरेक्टली इंडायरेक्टली अरे मैं बोलता हूं ट्रेड नेम ब्रांड नेम छोड़ दो कोई भी कनेक्टेड पर्सन उसको भी कवर कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर्स एवरीथिंग सेम चीज इंडिविजुअल के लिए आगे सेम चीज किसके लिए फॉर्म के लिए लिख के दिया है कि भाई अगर आप किसी भी तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे डिस्कवालिफाइड पर्सन बन जाएंगे वन में डिस्कालीफिकेशन नहीं लिखा में बोला है ये सर्विसेज प्रोहिबिटेड है ये सर्विसेज क्या है प्रोहिबिटेड है डिस्कालीफाइड बन जाएंगे ये लिखा है वन फोर्टी के अंदर कम बैक टू वन फोर्टी वापस आइए 1413 में लास्ट वाला डिस्क्वालीफिकेशन पढ़िए आप एक बार जरा मेरे साथ में 1413 रीड द लास्ट डिस्क्वालीफिकेशन अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स ऑन पेज नंबर 10.18 रेंडर्स एनी सर्विस व्हिच इज रेफर्ड इन सेक्शन 144 किस-किस को प्रोवाइड कर रहा है सर कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडी थैंक गॉड मैच होता दोनों होना ही चाहिए ना यार मतलब वहीं से कॉपी पेस्ट किए है उन्होंने हालांकि पहले नहीं होता था बाद में उन्होंने मैच किया था और अभी के लिए सिंपल समझिए अगर मैं 144 वाली कोई भी सर्विस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को प्रोवाइड करता हूं उनके सब्सिडी को प्रोवाइड करता हूं उनके होल्डिंग को प्रोवाइड करता हूं तो मैं क्या बन जाऊंगा डिस्कवालिफाइड इंसान बन जाऊंगा यह आखिरी डिस्कालीफिकेशन है समझने के लिए वन आना ही चाहिए प्लीज समझिए अगर डिस्कवालिफाइड हूं तो पहले तो मेरे को अपॉइंट ही मत करू अपॉइंटमेंट के बाद डिस्कालिफिकेशन हो गया है। तो मैंने क्या करना चाहिए अपना ऑफिस वेकेट कर देना चाहिए ऑफिस वेकेट कर देना चाहिए मतलब क्या ट्रिगर हो जाएगा कैजुअल वेकेंसी कैजुअल वेकेंसी कैसे फिल होता है सेक्शन 139, थर्टी नाइन सबसेक्शन एट आया क्या गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी भरेगा सी ए जी फेल्स एन बोर्ड इनकेस ऑफ एनी अदर कंपनी कैजुअल वैकेंसी कौन भरेगा बोर्ड ही भरेगा विद इन थर्टी डेज याद आया क्या आपको समझिए अगर डिस्कालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है आफ्टर अपॉइंटमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा एंड इट विल रिजल्ट इन टू कैजल वेकेंसी इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू दिस इज ओवरऑल सेक्शन वन फोर्टी वन डिसक्फिकेशन ऐसे याद मत करो सारी समझ लो कुछ भी पूछ सकता है उसमें से एक केस स्टडी बना करके और मेजोरिटी चांसेस अगर आप मुझे पूछोगे ना वो नंबर फोर के ऊपर है दिस नंबर डी इज वेरी वेरी बिजनेस रिलेशनशिप नंबर ई इज इंपॉर्टेंट एंड सी द नंबर जी सीलिंग लिमिट ट्वेंटी ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कालिफिकेशन है जहां पर आपको हर चीज आना ही चाहिए बाकी ठीक है है सिलेबस के अंदर पता होना चाहिए एमसीक्यू वगैरह आ गया तो बात अलग है अदरवाइज इन तीन का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए 144 पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या होती है लिस्ट बना के दीजिए या वो उस लिस्ट में से एक सर्विस को लिख करके एमसीक्यू बना देगा कि भाई मैं क्या डिस्कालीफाइड इंसान बन जाऊंगा इज दिस सर्विस कवर्ड अंडर प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन वन अंडरस्टैंडिंग हुआ कोई दिक्कत नहीं आएगा वी आर डन विद सेक्शन वन थर्टी 141 एंड 144 एंड 144 एक सेक्शन छोटा सा और है 142 खत्म कर देते हैं आराम से वो भी कंप्लीट हो जाएगा कम टू सेक्शन 142 फोर्टी टू दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ द रहेगा बहुत सिंपल सा है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर सिंपल है सर जनरल मीटिंग में जहां ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वहीं रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाएगा यहां इंपॉर्टेंट क्या है रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है What be in and what be in वो है। क्या इंक्लूड करना चाहिए है। आपका जो फीस है वो तो उसके अलावा यह ऑडिट करने के लिए आपके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस रहेंगे उसका कोई रिमबर्समेंट आपको दिया होगा आप ट्रेवल वगैरह कर रहे थे अपने पॉकेट से खर्चा किया उन्होंने रिम्बर्स करके दिया तो क्या इसे उनके लिए तो यह ऑडिटर तो को ये फीस देने सा हो गया या सर आपके पॉकेट से खर्चा थोड़ा बहुत हुआ होगा उन्होंने कोई फैसिलिटी दिया होगा आपको स्टे करने का फैसिलिटी दिया होगा फूड वाला फैसिलिटी दिया होगा जो भी फैसिलिटी वो आपको देने वाले उसके लिए उनको तो कोई ना कोई खर्चा आएगा ही आएगा आइडियली सो एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय देम टू दी ऑडिटर वॉट एवर एक्सपेंस देर इनकरिंग आई से रेम्युनोरेशन का पार्ट बन जाएगा सो so, रेम्युनोरेशन में क्या इंक्लूड करेंगे आपका फीस आपको जो रिमबर्समेंट करके दिया होगा वो या उन्होंने कोई फैसिलिटी आपको दिया होगा जिसके लिए उनका कुछ खर्चा हुआ होगा वो भी टोटल रेमेशन में कवर किया जाएगा चाहिए सर्टेन सम्स टू बी इंक्लूडेड इन सर आपके फीस के अलावा जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए थे और उन्होंने आपको रिम्बर्स करके दिए होंगे या उन्होंने आपको डायरेक्टली कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करके दिया होगा ये सब कुछ आपके टोटल रेम्यूजेशन में आएगा एक चीज समझ लीजिए क्या नहीं आएगा अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा टैक्स ऑडिट अलग से कर रहा हूं उसका अलग से फीस होता है कोई एक सर्टिफिकेट साइन करके दे रहा हूं स्पेसिफिकली कोई भी सर्विस अगर मैं अलग प्रोवाइड कर रहा हूं अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट जो 144 में प्रोहिबिटेड नहीं है जो 144 में क्या नहीं है प्रोहिबिटेड नहीं है टैक्स ऑडिटर प्रोहिबिट नहीं किया है ऑडिट जब आया था था कुछ टाइम पीरियड के लिए था, उसको प्रोहिबिट नहीं किया था अब तो रेलिवेंसी कम हो गया उसका बट तब तो वो भी अलाउड था मतलब अगर मैं कोई भी और सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उस सर्विस के लिए मुझे सेपरेट फीस मिलना चाहिए क्योंकि सर वो मेरे स्टेटरी ऑडिट का पार्ट नहीं होगा एक चीज को मार्क कीजिएगा हाउ एवर रेम्यूनरेशन शाल नॉट इंक्लूड एनी रेमेशन पेड टू दर्विस क्या एक्सक्लूड कर रहा है यह मेरे को सेक्शन टू में आना चाहिए मतलब टेक्निकली वन थर्टी नाइन से लेकर के वन फोर्टी टू हो गया है दो मिनट के लिए मेरा बात सुनिएगा हमने कंपनी ऑडिट से शुरुआत किया लेक्चर वन लेक्चर टू आज का लेक्चर नंबर थ्री था इसमें हमने कवर किया था 139 मोस्टली इसमें कवर किया था 140 आज कवर किया 141 142 एंड 144 ऐसे ही हमारा लेक्चर नंबर फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा जिसमें मैं ट्राई करूंगा सारे बचे हुए सेक्शंस जो है उन्हें कवर करने का इंक्लूडिंग योर 143 145, 146, 147, 148, 138 एंड ट्राई तो मेरा वन टू सिक्स जो लेक्चर्स बन जाएगा वो सारा का सारा किस पे बन जाएगा कंपनी ऑडिट पे ठीक है उसके बाद में लेक्चर सेवन से ऑलरेडी अपलोडिंग शुरू हुआ होगा का। उसके अंदर 700 सीरीज रिकॉर्ड करके डाला होगा 210 डाला होगा 230 डाला होगा अभी तक कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लाइव लेने वाले हैं जो मेरे को लगता है सैंपलिंग या एनालिटिकल प्रोसीजर जो थोड़े डिटेल्ड वाले हो गए समझ रहे हो मेरा बात जितना क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा उनको हम लाइव कवर करेंगे टारगेट है इस वीक के अंदर लेट्स ट्राई टू फिनिश कंपनी ऑडिट फर्स्ट डू यू गेट माई पॉइंट फिर कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के और लेक्चर अपडेट होंगे क्योंकि अगले वीक से शायद ये क्लासरूम भी अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि नया बैच थर्टीन फिफ्ट को शुरू होगा अगले अटेम्प्ट के लिए तो एक हफ्ता वापस चीजें खराब होने वाली है मैं तुमको पहले बता रहा हूं ऐसा होगा ही मेरे को मालूम है पहले से ही हंड्रेड परसेंट क्योंकि ऊपर का जो एग्जिस्टिंग बैच है वो नीचे आएगा नया बैच ऊपर जाएगा मतलब किसी को क्लैरिटी नहीं रहेगा क्योंकि नया ग्रुपन शुरू होगा एग्जिस्टिंग ग्रुप को तो खत्म नहीं होगा आई एम अवेयर डू यू गेट माय एंड अगर आज नया सिलेबस आया 7 तारीख का समझ लो मेरा बात अगर आज नया सिलेबस आया या कल आया और गलती से नया ग्रुप टू तो भी शुरू करना पड़ेगा तो मुझे पता भी नहीं क्या होगा वो मैं नहीं करना चाहता हूं ऑनेस्टली मेरे को लगता नहीं है ऑडिट डे पे एक बच्चा फर्स्ट डे समझ पाएगा मेरे को इम्पॉसिबल लगता है थोड़ा उसको अकाउंट्स थोड़ा टैक्स थोड़ा लॉ समझना चाहिए फिर उसने ऑडिट पढ़ना शुरू करना चाहिए आई एम नॉट रेडी टू स्टार्ट बट पीपल मे फोर्स मी इन द बिल्डिंग टू स्टार्ट टू यू गेट माई पॉइंट सो लेट सी हाउ दैट वी हैव टू फिगर इट आउट बट टारगेट इज सिंपल इन दिस वीक विल ट्राई टू फिनिश कंपनी ऑडिट इन द मीन टाइम फ्यू मोर स्टैंडर्ड्स आई विल गेट अपलोडेड इन दिस वीक डू यू गेट माई पॉइंट नेक्स्ट वीक उन आफ्टर टू थ्री डेज़ सेटल डाउन आफ्टर फर्स्ट थ्री डेज ऑफ अ न्यू बैच वी फाइंड अ स्लॉट जहाँ मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है उस स्लॉट के अंदर हम प्रेफरेबली वापस से हमारे बाकी स्टैंडर्ड शुरू कर देंगे ऑब्जेक्टिव ये है कैसे भी करके ऑलमोस्ट थर्टी फाइव टू फोर्टी लेक्चर्स होंगे उसमें से कुछ रिकॉर्डेड वाले रहेंगे और कुछ लाइव रहेंगे पूरे के पूरे जो रिकॉर्डेड है वो भी आप नोटिस कर रहे होंगे एकदम रिसेंट है पूरा वही सीक्वेंस में कवर किया और उसमें भी सारा क्वेश्चन कवर किया हुआ है ऐसा नहीं है और उसके अंदर तो भी ऐसा नहीं बहुत सारे लिखवाए हुए नथिंग इज देयर ये क्लियरली रिविजन सेशन ही था कुछ अलग नहीं था वो बस मैंने अकेले बैठकर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था डी यू गेट माई पॉइंट तब तुम नहीं थे दैट्स द ओनली डिफरेंस आइडियली बट जो जो उसमें नहीं है वो सब अलग से हम कवर करते जाएंगे टारगेट ये है मेजोरिटी पार्ट आपको कवर करके मिलेगा यू गेट माई पॉइंट इज दिस क्लियर टू यू I'll see you tomorrow. We'll start with the next lecture. Thank you.